नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके डॉक्स। आइए बात कर लेते हैं बिग बॉस 14 के वीक नंबर 10 की, जो कि नाम रहा एंट्रीज एंड री एंट्रीज के नाम पर। 6 चैलेंजर्स नाम के 6 छछुंदर घर के अंदर छोड़ दिए गए हैं और घर से बाहर गए हुए कंटेस्टेंट जिन्हें निकाला जा रहा है, फिर लाया जा रहा है और उसके बाद पब्लिक पर, पब्लिक की मर्जी है, पब्लिक ने चाहा, पब्लिक ने पसंद किया तो पब्लिक के ऊपर इविक्टेड हुए कंटेस्टेंट बार बार थोप दिए जाते हैं। कहीं ना कहीं मेकर्स का माइंड कंफ्यूज हो चुका है और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो करें तो क्या करें। वो एक ब्लेंडर करते हैं, उसे कवर अप करने के लिए वो 10 ब्लेंडर करते हैं। तो जाहिर तौर पर मेकर्स सीन पलटने के नाम पर, 2020 को करारा जवाब देने के नाम पर थूक थूक कर चाट रहे हैं और इतने ज्यादा कन्फ्यूजिया गए हैं कि कभी सीनियर को ले आते हैं, कभी चैलेंजर को ले आते हैं, कभी किसी को निकाल देते हैं, फिर उसे वापस ले आते हैं टीआरपी के नाम पर, ट्विस्ट के नाम पर। ये सब करके मेकर्स कहीं ना कहीं अपना क्रिएटिव दिवालियापन दिखा रहे हैं। जो लैक ऑफ प्लानिंग है, लैक ऑफ एग्जीक्यूशन, ये सारी चीजें एक्सपोज हो रही है कि इन लोगों ने लॉकडाउन में बस खा पी के सोते रहे, कुछ भी क्रिएटिविटी या कुछ भी क्रिएटिव करने का आइडिया इन लोगों के माइंड में नहीं आया और अब टीआरपी बचाने के लिए इधर उधर हाथ पैर मार रहे हैं, जैसे कोई डूबता हुआ आदमी जैसे जैसे हाथ पैर मारता है कि कैसे भी करके टीआरपी आ जाए। तो कभी चैलेंजर्स, कभी सीनियर, कभी ट्विस्ट, कभी सीन पलटाओ। सो नो डाउट चैलेंजर्स को लेकर के आए हैं। चैलेंजर्स अर्शी हो या मनु पंजाबी या विकास गुप्ता या राखी सावंत और कौन है, कश्मीरा, कश्मीरा और राहुल माथिन, इनकी अपनी अलग एक फैन फॉलोइंग है। तो अपने अपने फेवरेट को या आइडल को देखने के लिए इनके फैन डेफिनेटली आएंगे, तो उससे टीआरपी को फायदा तो मिलेगा। लेकिन ये अपने अपने सीजन में इन लोगों ने क्या गोल खिलाए हैं आपको सबको पता है। कुछ एक आध लोग अच्छे हैं, अदरवाइज ज्यादातर लोग तो इस गेम को डर्टी ही बनाएंगे। जैसे कि अर्शी, हालांकि वो एंटरटेनर है, उसके वन लाइनर काफी अच्छे, लेकिन अपने पर्सनल ग्रजेस वो निकाल रही है। और राकेश सावंत भी आ जाएगी और निकी टंबोली तो आ चुकी है। आपने दिखते ही नहीं थे निकी, आपने दिखते ही नहीं थे, आप 2-3 दिन कहां थे, आपको हमने देखा ही नहीं, आपने दिखते ही नहीं थे। लेकिन अब वो बहुत दिखेगी दिखेगी दिखेगी, मुंह में गुटकी खूब दिखेगी और कितना टिकेगी ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। तो जैसा कि मैंने कहा, ये वीक रहा है एंट्रीज और री एंट्रीज के नाम पर। और जैसा कि हमने कल का एपिसोड देखा जहां पर कि कश्मीरा को नॉमिनेशन से बचाने की जी तोड़ मेहनत की, कश्मीरा की हार का ठीकरा अपने खोपड़ी पे लेना है या फिर उसकी जीत का क्रेडिट अपने सिर पे लेना है, ये मेंटेलिटी थी मनु पंजाबी एजाज एंड टीम की। लेकिन इनके गाल पर एक करारा थप्पड़ मार दिया बिग बॉस ने, जो कि एजाज बाद में बोलता पाया भी गया कि ये करारा थप्पड़ है कि ये चीजें कंट्रोल करना चाहते हैं, जबकि एक्चुअल में कंट्रोल तो बिग बॉस के हाथ में है। तो अब एंट्री से भरपूर वीक में किसका एग्जिट होगा? भाई मेरे हिसाब से किसी का एग्जिट नहीं होगा। ये वीक सिर्फ एंट्रीज एंड री एंट्रीज के नाम पर है। सुनने में आ रहा है वीकेंड पर राहुल वैद्य की भी एंट्री होने वाली है, तो मोस्ट प्रोबेबली इस वीक कोई एग्जिट नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि कई लोग कह रहे हैं कि कश्मीरा सेफ हो जाएगी, राहुल महाजन को निकाल देंगे। राहुल महाजन और राखी की जो केमिस्ट्री है वो अभी तक खुल के आ नहीं पाई क्योंकि राखी की एंट्री बहुत लेट हुई है। तो मेरा ऐसा मानना है कि राहुल महाजन और राखी को ये लोग एक वीक और रखेंगे। राहुल को प्रिविलेज भी दिया था, एक दिन का राजा बना के लाए थे, तो उस सिद्धांत के आधार पर कुछ खबरी लोग कह रहे हैं कि वो एक दिन का राजा था और एक वीक का मेहमान है। मैं ऐसा नहीं मानता, मुझे ऐसा लग रहा है कि 1-2 वीक तो वो रहेगा, कॉमेडी वगैरह क्रिएट करेगा, उसके वन लाइनर्स काफी अच्छे हैं, वो शो में थोड़ा बहुत कंटेंट में अपना योगदान दे रहा है। हालांकि जब ये वीक शुरू हुआ था तो उसके पहले जो वीकेंड था वो टास्क में योगदान, लैक ऑफ एंथुजियाज्म, लैक ऑफ कंट्रीब्यूशन, दिल से नहीं खेल रहे हो, कंट्रीब्यूट नहीं करो, इस पॉइंट को हाईलाइट किया गया था वीकेंड का वार में। यही पॉइंट इस वीक की स्टार्ट में भी हमें देखने को मिला, जब ये चैलेंजेस आए और कैप्टेंसी वाली टास्क हुई जहां कप्तान बनने के लिए राहुल महाजन के गले में जो मेडल था उन्हें कन्विंस करना था। लेकिन हमने देखा सो कॉल्ड फाइनलिस्ट और सो कॉल्ड डिजर्विंग कंटेस्टेंट, जो राहुल वैद्य से ज्यादा डिजर्विंग लग रहे थे सलमान खान को, उन डिजर्विंग कंटेस्टेंट ने किसी भी तरह का कोई एफर्ट नहीं लिया कैप्टनसी टास्क में वो मेडल हासिल करने का। अब इसके सपोर्ट में सोशल मीडिया पर कई उन सो कॉल्ड डिजर्विंग लोगों के फैन कह रहे हैं, अरे भाई रूबीना को तो पता था कि ये मेडल उन 4 लोगों के बीच में ही रोटेट होगा, तो क्या फायदा था एफर्ट लेने का। अरे भाई ऐसे तो राहुल वैद्य को भी पता था कि कुर्सी से कोई नहीं उठेगा, तो क्या फायदा था वहां पे कन्विंस करने के लिए खड़े रहने का। सीधी सी बात है, राहुल वैद्य ने एफर्ट नहीं लिए तो आपने उसके मुंह में वर्ड ठूंस दिए, मजबूर कर दिया निकलने को, लेकिन यहाँ एफर्ट तो रूबीना के भी नहीं दिखे। और सलमान खान के इन्हीं वर्ड्स, एफर्ट, क्षमता, जीतने का जज्बा, ये एजाज खान की मेमोरी में फिट हो गए हैं। इस वीक उन्होंने इन शब्दों को अब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। एजाज की अगर हम बात कर रहे हैं तो एजाज का एक बहुत ही कमज़ोर वाला पॉइंट है, जब बाहर से कोई आता है जिसे वो पहले से जानते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, हवा में बहुत जल्दी उड़ने लगते हैं, जैसे कविता कौशिक आई थी ऐसे यस यस करके, ये मेरी दोस्त आई।
लेकिन वो दोस्ती कुछ देर में टूट गई। उसी तरह यहाँ मनु पंजाबी जब आया और तो मनु पंजाबी से इनका बेइंतहा मोहब्बत वाला गले मिल रहे हैं, दोस्ती और मनु मनवीर की यहाँ जोड़ी रिक्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये जोड़ी दो तीन दिन काफी अच्छी रही, बट हमने कल के एपिसोड से देखा इस जोड़ी का एक डाउनफॉल टाइप का शुरू हो गया है, जिसके ऊपर मुझे लग रहा है कि सलमान खान वीकेंड पर डेफिनेटली सवाल जवाब करेंगे कि मनु एजाज आपको, चूंकि विकास गुप्ता ने घर के अंदर आके ऐसी बातें कर दी हैं कि एजाज को काफी वोट मिल रहे हैं और एजाज का खुद का भी कहीं ना कहीं बाकियों से खुद को बहुत ऊपर समझना, एजाज थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। तो एजाज क्या आपका ये ओवर कॉन्फिडेंस था कि आपने इस टास्क में खुद को बचाने के लिए कोई एफर्ट नहीं किए? एफर्ट, वंस अगेन एफर्ट का मुद्दा यहां पर, एजाज एंड टीम कश्मीरा को जिताने के लिए खुद की टीम के एफर्ट कम कर चुकी थी। ये मुद्दा डेफिनेटली वीकेंड पर उठना चाहिए कि आप खुद को बचाना चाहते थे या कश्मीरा को बचाना चाहते थे, इतने महान क्यों बनना चाहते थे? अगर आप खुद एफर्ट नहीं कर रहे हो तो फिर आप रूबीना को कैसे बोल सकते हो कि उन्होंने एफर्ट नहीं किए, क्योंकि आपने भी खुद को नॉमिनेशन से बचाने की कोई एफर्ट नहीं किए। क्या आपको ओवर कॉन्फिडेंस है? एंड क्या आपको वाकई में ऐसा लगता है कि कश्मीरा अभी आई हैं चली जाएंगी, कश्मीरा को आप इतना भी लायक नहीं समझते हैं? सलमान इस तरह के शब्द इधर उधर से ट्विस्ट एंड टर्न करके लोगों के माइंड में फिट कर देते हैं, जो कि आगे चल के किसी एक कंटेस्टेंट का गेम ऊपर या नीचे कर देता है। तो ये जो इस टास्क में इन लोगों ने परफॉर्म किया, टीम एजाज, अर्शी, इन सब ने, अभिनव से भी सवाल जवाब होने चाहिए कि अभिनव आपने टास्क खत्म होने के बाद बोला कि दाल में कुछ काला है, और आपने जब टास्क शुरू हुई थी तब भी आपको थोड़ा सा डाउट गया था, तो आपने चीजें क्लियर क्यों नहीं की, आपने एफर्ट क्यों नहीं लिए ये पता करने के कि ये तीन चार लोगों के बीच में खिचड़ी क्यों पक रही है? आप खुद एफर्ट लेते नहीं हो, आप खुद इंटरेक्शन करते नहीं हो, आप एक प्रोएक्टिव अप्रोच लेकर चलते नहीं हो कि आप उस टीम का हिस्सा थे, तो आपको ये चीजें पता क्यों नहीं थी कि ये लोग कश्मीरा को जिताना चाहते हैं? और अभिनव की जब टीम हार जाएगी तो अभिनव नॉमिनेशन में जाएगा, तो फिर खतरे की तलवार अभिनव के ऊपर भी लटकेगी, तो अभिनव को भी ये चीजें क्लियर करनी चाहिए थी और इस बारे में सवाल जवाब होना चाहिए। वैसे सवाल जवाब से याद है, मेरा पर्सनली एक बहुत फेवरेट मुद्दा है ये जो बाहर की बातें ये जो गर्दुल्ला गुप्ता करता है, इससे सवाल जवाब होने चाहिए कि भाई तू बाहर की बातें क्यों करता है? पिछले सीजन में आया तो आसिम की बाहर गर्लफ्रेंड है, ये है वो है, इस सीजन में आया तो कविता के पति ने ट्वीट किए बाहर इनको ये वोट मिल रहा है। गुप्ता को सारे प्रिविलेज भी हैं, सारे लाइसेंस भी हैं, वो बाहर से आके कुछ भी बातें बोल देता है, लोगों के दिमाग में वो बातें फिट हो जाती हैं, सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है, शो को टीआरपी मिलती है, तो गुप्ता को प्रिविलेज तो है। ये जो जैस्मिन रूबीना ये जो लोग कह रहे थे कि आपको यानी कि गुप्ता को ही क्यों ये प्रिविलेज दिए गए, मनु को या फिर अर्शी को या फिर राहुल महाजन या राखी, इन सबको ये जोकर कार्ड क्यों नहीं दिया गया, ये बात जैस्मिन कह रही थी कल के एपिसोड में। और यही जैस्मिन और यही रूबीना अर्शी से सवाल जवाब कर रहे थे जब अर्शी कह रही थी ये क्रिएटिव से मिलता है, इसको सब पता है, तो सब लोग अर्शी के खिलाफ थे। तो घर में ये लोगों की जो डबल मेंटेलिटी है ना, वो हमें क्लियरली दिखाई दे रही है। एक तरफ तो घर वाले ये भी जानते हैं कि गुप्ता को जोकर कार्ड मिल रहा है, प्रिविलेज मिल रहे हैं, लेकिन जब अर्शी बोले कि गुप्ता को स्पेशल को ट्रीटमेंट किया जाता है, गुप्ता कौन होता है वोटिंग तय करने वाला, कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा ये बात करने वाला, तो लोग अर्शी को सपोर्ट करने के बजाय उसकी ही आवाज दबाने में लग गए। क्योंकि ये मुद्दा जो है वो कलर्स के सो कॉल्ड मास्टरमाइंड की पोल खोल देगा और कलर्स के खुद के मैनेजमेंट की पोल खोल देगा कि वो कैसे एक चमन चिंदी चूतिए को मास्टरमाइंड के रूप में पोर्ट्रे कर देते हैं, कैसे उसको सारे प्रिविलेज दे देते हैं कि भाई तू अंदर जा, कुछ भी बोल बाहर की बात, बट कोई और इंसान अगर बाहर की बात करे तो भाई उसको सख्त हिदायत दे दी जाती है कि भाई तुम कुछ मत बोलो, बाहर की बातें मत करो। ये गुप्ता जो पिछले सीजन में शुक्ला की धक्कम धुक्की को सपोर्ट कर रहा था, उसे अर्शी का सर इतना सा टच हो गया या इतना टच हो गया, बिग बॉस प्लीज टेक एन एक्शन, बिग बॉस प्लीज ये बदतमीजी करिए भाई, बिग बॉस प्लीज टेक एन एक्शन, बिग बॉस टेक अ कॉल, बिग बॉस, और बिग बॉस ने कॉल ले भी लिया, तो गुप्ता को प्रिविलेज तो डेफिनेटली मिल रहा है, जो कि हमें इस वीक में भर भर के देखने को मिले। अदर देन दैट, इस वीक का सबसे बड़ा हाईलाइट था अर्शी और गुप्ता की फाइट, और अर्शी ने कहीं ना कहीं, वो कैसी भी पर्सनैलिटी हो, अपने सीजन में भी उसने घटियापंथी की सारी हदें पार की ही थी जब सपना ने थाली बजा बजा के अर्शी की बोलती बंद कर दी थी, लेकिन यहाँ अर्शी फिलहाल गुप्ता की बोलती बंद कर रही। इनके जो पर्सनल ग्रजेस है वो पहले एपिसोड, दूसरे एपिसोड, तीसरे दो तीन दिन अच्छे लगते, फिर अब वही चीज़ चलती रहेगी तो फिर वो एक टाइम के बाद वो चीज़ बोर करने लगेगी, लेकिन फिलहाल वो बोरियत की हद के थोड़ा सा दूर है। एक दो दिन अगर यही चलता रहा तो फिर ये बोर हो जाएगा, फिर हम इस चीज़ को कहीं ना कहीं इरिटेट करने की संज्ञा दे देंगे। जैसे तंबोली स्टार्ट में लोगों को बड़ी अच्छी लगती थी, बट सेम चीज़ उसने कंटिन्यू की तो फिर वो इरिटेट करने लगी। तो अर्शी को यहाँ पर थोड़ा सा कंट्रोल कर लेना चाहिए, उसको अपने घोड़ों को रोक लेना चाहिए
और थोड़ा सा कुछ और चीजों के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। टास्क में ठीक है वो शिद्दत देती है, टास्क में कश्मीरा ने भी काफी जद्दोजहद तो काफी जी जान दिखाया, लेकिन फिर भी कश्मीरा जिस तरह से बड़ी बड़ी बातें करके आई थी वो उन बातों का 1 या 2% भी नहीं दे पा रही, जबकि अर्शी जो ठान के आई थी जैसे अभिनव और रुबीना आपा या जस्सू इन सबको कहीं ना कहीं वो हर घंटे में उसके टारगेट बदल जाते हैं। तो मैं समझ रहा हूं कि ये जो गुप्ता कह रहा था कि अर्शी जाएगी, मैं समझ रहा हूँ अर्शी नहीं जाएगी इस वीक, कोई भी नहीं जाएगा इनफैक्ट, क्योंकि ये एंट्री वाला वीक है, एग्जिट इस वीक किसी का नहीं होगा ऐसा मेरा मानना है। सो ये है इस वीक नंबर 10 का एक मोटा मोटा लबोलबा। हालांकि छोटी मोटी बहुत सारी चर्चाएं चली, अलग अलग जोन अलग अलग ग्रुप बन गए हैं, जहां मनु एजाज अर्शी कश्मीरा कश्मीरा इनका ग्रुप है, इधर पिछले एक दो वीक पहले तक कट्टर दुश्मन बन चुकी डम एंड डम्बर की जोड़ी जहरीली नागिन और नागिन अल्ट्रा जो नागिन है ये एक दूसरे को डस रहे थे, अब इनका भी ग्रुप बन चुका है। सो रुबीना जासमीन इनका ये कहना कि एजाज ने इनको आइसोलेट कर दिया है, ये लोग रुबीना का मजाक बना रहे हैं, राहुल के जाने का ठीकरा इस पर फोड़ रहे हैं, इन लोगों ने अपना अलग ग्रुप बना लिया। तो ग्रुप तो आप लोगों ने भी अपना बना रखा है, लेकिन आप इतने सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में डूबे हो कि आप किसी और से कुछ वो बात करना ही नहीं चाहते हो, आप एफर्ट नहीं करना चाहते हो, फिर आप बोलते हो उन लोगों ने अपना गुट बना लिया है, अपना एक अलग ही गेम वो लोग चलाना चाहते हैं। जबकि इनडायरेक्टली ये टीवी एक्टर्स सब जानते हैं कि गुप्ता इनके ग्रुप में ही रहेगा, गुप्ता इन्हें सपोर्ट करेगा, एंड जब तक गुप्ता इन लोगों की साइड में है तब तक शायद इन्हें किसी और की जरूरत ना पड़े, क्योंकि इन्हें भी पता भाई वो हर सीजन में आ रहा है, उसके कलर्स में अच्छी खासी चलती है, उसको सारे प्रिविलेज मिलते हैं, वीकेंड पर सलमान भी उसको कुछ खास नहीं बोल पाता है। अब ये बात तो हम सब जानते हैं, ताज्जुब की बात है कि तमाम पिछले सीजन देख के आए हुए ये कंटेस्टेंट भी जानते हैं, लेकिन फिर भी गुप्ता को ये लोग एक फ्री वे दे देते हैं कि भाई तू जा लाइव अपना वो बना ले मास्टरमाइंड, जबकि अर्शी को मन्नू को दोनों को पता था कि ये सीक्रेट टास्क के ऊपर है गुप्ता, इसको कुछ प्रिविलेज मिलेंगे। अब जब वो टास्क पूरी कर ली, जोकर कार्ड मिल गया था, वो आप फिर रोना रो रहे हो चलो इसका कार्ड चुरा लेते हैं कार्ड चुरा लेते हैं, तो ऐसा कुछ सवाल जवाब इससे भी होना चाहिए अर्शी से मनु से, जब तुमको पता था कि ये सीक्रेट टास्क कर रहा है तो फिर आपने इसकी टास्क फेल करने की कोई कोशिश क्यों नहीं की। एजाज या बाकी घर वालों से भी पूछना चाहिए कि वो 3 रात तुम लोगों को जगाता रहा और तुम्हारे किसी के कान पर जूं तक नहीं रहेगा, दैट शोज कि आप लोग अलग ही दुनिया में चल रहे हो, आपका गेम के प्रति कोई अवेयरनेस है ही नहीं, आपकी थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स है ही नहीं, आप एकदम लकीर के फकीर बन चुके हो, इस तरह के सवाल जवाब होने चाहिए वीकेंड का वार में। बाकी देखते हैं कि सलमान खान वीकेंड पर कोई सवाल जवाब करता भी है या पूरा वीकेंड वो फोकड़पंती की टास्क और इधर उधर की अतरंगी, चलो राखी चलो अर्शी तुम अपना अपना वन लाइनर बोलो, चलो गलत फहमी के गुब्बारे फोड़ो, चलो आरोप लगाओ एक दूसरे के ऊपर, ये करो वो करो, यही सब वो करके हो सकता है पूरे वीकेंड का मटिया मेड करके रख दे। लेकिन जो सवाल पूछने चाहिए रुबीना से और अभिनव से या जैस्मिन से एफर्ट के ऊपर वो बिल्कुल नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सलमान की पोल खुल चुकी है। पिछले वीकेंड जो मुद्दे उठाए थे उसने हाईलाइट किए थे लैक ऑफ एंथुजियाज्म लैक ऑफ एफर्ट दिल से कंट्रीब्यूशन नहीं, नाउ इस वीक चूंकि कलर्स के चहेते जो कुकुर मुद्दे हैं वो लैक ऑफ एंथुजियाज्म के रडार के अंदर आ चुके हैं, तो सलमान बड़ी ही सफाई से कन्नी काट जाएगा, कुछ ना बोलेगा कोई सवाल जवाब ना करेगा, फोकड़पंती की टास्क करा देगा और बस टाटा बाय बाय करके निकल जाएगा, डू व्हाट एवर यू वांट टू डू मैन डोंट डू कोरोना वोरोना। Now let's see सलमान अपनी रीढ़ की हड्डी दिखाता है या थूक कर चाट जाता है, ये हम देख लेंगे वीकेंड का वार में। बाकी आप कमेंट करें और बताएं आपके ओपिनियन की आपको लग रहा है कि इस वीक किसी का इविक्शन होगा, अगर होगा तो किसका होगा कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें डीएसके टॉक्स को अगर आपने नहीं किया है तो, आपने समय निकाला वीडियो देखा आपका बहुत बहुत धन्यवाद।